हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद जूही। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कस्टर्ड केक। कस्टर्ड केक बनाना बहुत ही इजी है। अगर आप मेरे सारे स्टेप फॉलो करते हो तो आपका भी कस्टर्ड केक बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। आप भी चाहते हो कि आपका केक भी ऐसे ही बनकर रेडी हो तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमें ये कैसे बनाना है। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें मैदा। तो यहाँ पर मैंने जो हमारा नॉर्मल कप होता है उस वाले कप से 1.5 कप मैदा ऐड किया है। इसको हम छान लेंगे। अब हम ऐड करेंगे शुगर पाउडर। तो मैंने यहाँ पर चीनी को पीस कर उसका पाउडर बना लिया है। तो मैंने उसी मेजर कप से 1 कप शुगर पाउडर ऐड किया है। इसे भी हम छान लेंगे। अब हम ऐड करेंगे इसमें 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर। अब हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा एंड 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो अब इसको भी हम छान लेंगे। अब इसे विस्कर की हेल्प से हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर दूध हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हमने सारा दूध एक साथ ऐड कर दिया तो इसमें लम्स बन सकते हैं, इसलिए दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं। ये जो मेरा बैटर है थोड़ा मुझे गाढ़ा लग रहा है तो इसमें 1/2 कप दूध मैं और ऐड करूँगी। तो देखो, अब मैं 1/2 कप दूध और ऐड कर दूँगी और इसको जो हमें बैटर को इसे मिलाना है विस्कर से इसे अच्छे से मिला लेंगे। और हमें ये धीरे मिलाना है और एक ही डायरेक्शन में हमें मिलाना है, जिससे कि हम इसकी जो एयर है वो ना निकले और हमारा केक अच्छा सा फूल के मोटा सा बने। तो ये अब हो गया है। तो अब हम ऐड कर देंगे इसमें ऑयल। तो मैंने यहाँ पर अभी तक ऑयल ऐड नहीं किया है तो मैं यहाँ पर अब ऑयल ऐड करूँ। कोई भी रिफाइंड ऑयल, कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। तो 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दें हैं। अब इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक बाउल में हम टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे 2-3 चम्मच। फिर हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच मैदा। इसको हम मिक्स करके रख देंगे। इससे क्या होता है कि जो हम अपने केक के बैटर में इसको ऐड करते हैं टूटी फ्रूटी को, तो ये बिल्कुल नीचे नहीं बैठती। तो अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम रेडी करते हैं केक टिन। तो मैंने ये वाली टिन, इस टाइप की टिन का यूज़ किया है। तो इसमें मैंने 1/2 चम्मच ऑयल ऐड करके इसको स्प्रेड कर लिया है। फिर 1/2 चम्मच हम मैदा से इसको डस्ट कर लेंगे अच्छे से, जिससे कि जो हमारा केक है वो इस पर बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा और हमारा विदाउट बटर पेपर के भी हम इसे केक को बना सकते हैं। तो अब हम ऐड कर देंगे इसमें अपना बैटर केक का। अब हम अपनी केक टिन को टैप टैप कर देंगे, जैसे कि हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल सेटल हो जाएगा। केक हमारा सिंपल लग रहा है तो यहाँ पर मैंने टूटी फ्रूटी से इसको थोड़ा डेकोरेट कर दिया, जो देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। खास करके ये केक बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो यहाँ पर हम इसे कढ़ाई में बना रहे हैं केक को। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रेडी कर ली थी, पहले ही मैंने इसको प्री हीट कर लिया था। प्री हीट करने के लिए यहाँ पर कढ़ाई में कोई भी नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं 1 से 2 कटोरी ऐड करना है। और साथ में हमें उसमें कोई भी छोटी कटोरी या अगर आपके पास कोई स्टैंड है तो आप वो लगा सकते हैं और उसको ढककर 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है। तो यहाँ पर मेरा प्री हीट हो चुका है। तो अब हम ऐड कर देंगे इसमें अपना केक टिन। इसको हमें ढककर 35 से 45 मिनट तक बेक करना है। केक को कभी भी हमें हाई फ्लेम पर बेक नहीं करना होता, तो हम इसे मीडियम से लो फ्लेम पर बेक करते हैं। तो इसको अब हम ढक देते हैं। अब हम ओपन करके देखते हैं कि हमारा केक कैसा है। तो देखो, हमारा केक बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है, देखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब एक बार नाइफ से चेक कर लेते हैं कि ये अंदर से पका है या नहीं। केक हमारा रेडी है क्योंकि नाइफ़ हमारा बिल्कुल क्लीन है।
तो केक हमारा रेडी हो चुका है। अब 10 से 15 मिनट हम इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। अब हमारा केक ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको नाइफ से इसके जो सारे कॉर्नर्स हैं वहाँ से हम इसको रिमूव कर लेते हैं, और फिर हम इसको एक प्लेट की से बैकआउट करके इसको निकालते हैं। तो देखो, अब इसको थोड़ा सा टैप टैप करके हम अपने केक को निकाल लेंगे। बहुत ही इजीली ये हमारा केक निकल चुका है, और देखो ये बिल्कुल भी नहीं चिपका, बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अब मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ, तो देखो कितना सॉफ्टली कट हो रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना स्पंजी है, तो देखो ये कितना ज़्यादा स्पंजी है। बहुत ही बढ़िया केक हमारा तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।